फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल पिंटू द ब्लॉग। नए सुबह के साथ नए ब्लॉग के साथ हम लोग निकल चुके हैं गोरखा ब्लॉगर और मैं डीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट का हम लोग का राइड होने वाला है। टोटल 6 घंटा लगेगा, यहाँ से 230 किलोमीटर है। हम ढिकेजुली पहुँच चुके हैं, बाइक का हवा चेक करवा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर जाना है। फाइनली हम लोग तेजपुर पहुँच चुके हैं। ब्रिज बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, काम चल रहा है वहाँ पे। वहाँ से लेफ्ट टर्न लिए क्योंकि हम लोग अभी इस बार उसके होके कंकु जाना पड़ेगा। अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर आते हो, आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा, आप लोग यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है। फाइनली हम लोग पुरिया गांव बाईपास पर पहुँच चुके हैं। हम लोगों को वैसे ही जाना पड़ेगा। किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम परेशानी को लेकर घर पर ही बैठा रहे। तो अगर हम डीपली सोचते रहे परेशानी के बारे में, परेशानी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और हमें शांति से रहने भी नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में खुश रहना, आप लोग भी बाइक निकल कर बैठे मैं तो आप लोग भी राइड पर निकल जाइए, आपका परेशानी भी पता नहीं कर पाएगी। बहुत गर्मी है तो लोग आए हैं दुकान पर, राइड का बोतल लिए हैं, अभी पियेंगे और थोड़ा रेस्ट लेके जाएंगे। इंतजार कर रहे थे, करते करते कब यहाँ पर पहुँच गया हम लोग को मालूम ही नहीं चला। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मेरा पीछे जो बोर्ड है वेलकम टू डीमा हसाव। मैं खड़ा हूँ एक खास ब्रिज पर, ब्रिज के उस पार है कार्बी अंगलोंग, उस पार में है डीमा हसाव डिस्ट्रिक्ट। के ब्रिज के नीचे का नजारा, पानी थोड़ा गंदा है, बारिश की वजह से पानी गंदा हो गया होगा। देखिए कितना खराब है, यहाँ से आपका रास्ता जो है थोड़ा ठीक है, जो रास्ता है इससे भरा हुआ है। यहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है, शायद 2-3 महीना में ये कंप्लीट हो जाए। फिर रास्ता बन रहा है, इस वजह से हम लोगों को परेशानी हो रहा है। तड़प रहा है तो आवाज ही नहीं निकल रहा है, मेरा भी आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं तलार विलेज। बहुत दूर आने के बाद हमें एक दूसरी साइड में पानी पी लेते हैं। अगर आप लोग कहीं दूर राइड पर जा रहे हो तो ऑफलाइन में पहले से डाउनलोड करके रखिएगा, पता आगे जाके आप लोगों को नेट मिले या ना मिले, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हम लोग आए हैं नेट तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है।